मेरे साथ अली मौजूद हैं। अली और इनके फादर पाकिस्तान को डिवोर्स में मुसलसल लाते रहे हैं। इनके फादर अब नहीं है लेकिन अली मौजूद हैं। अल्लाह ताला इनके वालिद को जन्नत में जगह दें। अली, क्या विजन है आपके ग्रुप का? इकराम साइकिल साहब के साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान को किस तरह आपने यहाँ पे शोकेस किया? सो पहले तो मैं आपको बताऊं कि मार्टिन डाओ इज़ द ओनली फार्मास्यूटिकल कंपनी दैट इज़ बीइंग रिप्रेजेंटेड एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हम 2013 में वी गॉट द मेंबरशिप हेयर एंड वी हैव बीन कमिंग हेयर सिंस। 2016 से वी पार्टनर विद पाथ फाइंडर ग्रुप एंड वी हैव बीन होस्टिंग द पाकिस्तानी ब्रेकफास्ट सिंस 2016। And the vision for this event is to showcase the positive image of Pakistan, to show the potential कि क्या एक अच्छा नैरेटिव जाए, लोगों को इंटरनेशनल कम्यूनिटी को पता चले कि पाकिस्तान में देर इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, देर इज़ पोटेंशियल टू ग्रो, बिजनेस के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर, और पाकिस्तान में देर इज़ ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी। वी आर द ओनली फार्मास्यूटिकल कंपनी विच हैज़ अ बेस इन फ्रांस, तो वी आर ट्रूली अ मल्टीनेशनल which is a local multinational in the truest sense, and it is an honor to be part to have a partnership with the Pathfinder Group, and we have tried to build a community here and trying to take the legacy forward of my father. Acha ye bataye ki Pakistani companies kaise aaye? Bahut sare log samajhte hain ki yahan aana mushkil hai, aap kyunki yahan pe host kar rahe hain, Pakistan breakfast host kar rahe hain, aap senior hain, to aap kya message denge Pakistani companies ko, kis tarah aaye yahan pe? Indians bahut sare hain aur रशियंस बहुत सारे हैं, अमेरिकन कंपनीज हैं, कैसे पाकिस्तानी ग्रुप्स यहाँ पर हैं? ठीक है, आपको वेफ को अप्रोच करना चाहिए एंड आपने आपको अपनी जो कंपनी की प्रोफाइल है उनसे शेयर करनी चाहिए। दे ऑलवेज टेक इनिशिएटिव्स एंड टेक न्यू मेंबर्स इन। देयर इज अ मेंबरशिप फीस दैट यू हैव टू पे, बट न्यू कंपनीज कैन कम इन। एंड जहाँ तक पाकिस्तान ब्रेकफास्ट की बात है, वी सेंड आउट इनवाइट्स टू मेनी companies to come here and most of them do come here. So coming to the breakfast is very easy, but as far as the WEF membership is concerned, you have to go through a process to get a membership. So and they approach you mostly to get this membership. Yeah, so this is how it is. Thank you. Mere sath is waqt Muzaffar Pracha sahab maujood hain. Ye aise Pakistani hain jo Pakistan ke andar mobiles bana rahe hain, distribution ke paas hai, proper taur par export kar rahe hain. अच्छा, डिवोर्स ऐसी जगह पे ऐसे पाकिस्तानी का होना मेरे लिए सरप्राइज़ है। सबसे पहले तो मैं आपको देख के हैरान हूँ और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, खुशी है सारे पाकिस्तानियों के लिए। आपकी कंपनी के बारे में बताएं, पहले कंपनी के बारे में बताएं और फिर इस जगह पे आप क्यों? देखिए, मुजफ्फर पराचा और कम्युनिकेशन का एयरलिंक कम्युनिकेशन पाकिस्तान की वाइड लिस्टेड कंपनी है जो कि मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर है एंड और हम वाइड कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग के साथ डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेल जो वर्टिकल इंटीग्रेशन पूरा कवर करते हैं। एंड एयरलिंक वो कंपनी है जिसने पाकिस्तान की हिस्ट्री का बिगेस्ट IPO 2021 अगस्त में किया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एयरलिंक। और हम मैन्युफैक्चरर्स ऑफ शाओमी मोबाइल, टेक्नो मोबाइल, आइटल मोबाइल और इस वक्त तीन ब्रांड्स हम बना रहे हैं एंड वी कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 20% ऑफ द पाकिस्तान मोबाइल मार्केट शेयर। ज़बरदस्त, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब ये बताएं कि यहाँ बिजनेस लेने के लिए आए हैं, नए पार्टनर्स ढूंढने के लिए आए हैं, पाकिस्तान को शोकेस करने के लिए आए हैं, यहाँ पर कैसे? देखें, सबसे पहले बिजनेस लेना या नए पार्टनर्स ढूंढना तो एक सेकेंडरी बात है जी। मैं समझता हूँ सबसे पहले पाकिस्तान के बिजनेस मैन की इस इतने बड़े फोरम की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी जो कि बड़े अरसे से नहीं है, और इसके लिए इकराम सैगल साहब ने बड़ी कोशिश की है और पाकिस्तानियों को यहाँ डिवोर्स में गैदर किया है, और हम पाकिस्तान को यहाँ पर शोकेस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है, और पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और हाईटेक कंपनीज भी अब आना शुरू हो रही हैं, और इसी तरह पाकिस्तान का फ्यूचर मोबाइल एक्सपोर्ट्स और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगी तो हम ट्रेड डेफिसिट और इन चीज़ों से बाहर आएंगे। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा ज़रूरी था ग्लोबल दुनिया को बताना कि पाकिस्तान जो कुछ आप समझते हैं, जो देखते हैं, पाकिस्तान उससे आगे निकल आया और इंशाल्लाह टेक्नोलॉजी में भी पाकिस्तान आगे जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।